अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको सलाम। और कैसे हैं, होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज है जी संडे और वैक्सीन लगाए हुए मुझे हो गया है तकरीबन तीसरा दिन, और वैक्सीन का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। वैक्सीन में मुझे 4 वैक्सीन मैंने लगवाई हैं। फर्स्ट मैंने लगवाई थी जनवरी में, और वो लगाई थी साइनोफॉर्म जो चाइना की आती है, चाइना की लगाई थी। और सेकंड उसके 28 दिन या 30 दिन के बाद लगाई थी, वो भी साइनोफॉर्म थी। और जो तीसरी वाली थी, थर्ड वाली, वो इन दोनों वैक्सीन के 6 महीने के बाद लगानी थी, जो कि मैंने लगाई है फाइज़र जो अमेरिकन है, वो मैंने लगाई है तकरीबन 17 अगस्त, जिस तरह 17 अगस्त को लगाई है। और उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दिया है, अगर आप लगाना चाहते हैं फोर्थ वन, चौथी वाली लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं लगाना चाहते नो प्रॉब्लम। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा चलो लगा लेता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, 4 हो जाएंगी और सेफ भी रहे बंदा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जब आपने चौथी लगा ली तो आप पक्के सेफ हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लगा लूँगा। और ये आपने वीडियो देखी होगी, लास्ट 2 वीडियोज़ जो कि वैक्सीनेशन की हैं, एक तो 18 अगस्त को मैंने डाली थी, 17 अगस्त को मैंने लगाई थी वैक्सीन, और दूसरी जो डाली थी ये 2-3 दिन पहले डाली थी वैक्सीनेशन की, वो भी आपने देखी किस तरह से वैक्सीनेशन होती है इधर। और वो चौथी वाली मैंने लगवा ली थी, फाइज़र ही लगवाई है। तो उससे ये है कि अभी साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ, इतना साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है इसका, और ये आपके लिए ही सेफ़ है, अच्छी बात है, कभी आप लगा ले तो। मुझे ये फील हुआ, पहले जो मैंने 2 लगाई थी साइनोफॉर्म, उसमें बिल्कुल मुझे पेन बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फाइज़र लगाई, जब तीसरी फाइज़र लगाई मैंने, तीसरी डोज, उस पर थोड़ा थोड़ा मुझे पेन हुआ, लेकिन तकरीबन 1-2 घंटे पेन हुआ होगा। मैंने जल्दी से पैनाडोल ले ली, जब पैनाडोल ली उसके आधे घंटे के बाद बिल्कुल मैं ठीक हो गया। वाली जब मैंने ली है वैक्सीन, तो वो तकरीबन 1 दिन तो मैं बिल्कुल ठीक रहा हूँ। थर्सडे को आफ्टरनून में ली थी, और फ्राइडे 2 या 3 बजे इस तरह बॉडी पेन मुझे होने लग गया, और काफ़ी शदीद तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन था, और मैं तकरीबन सो नहीं सका। और मॉर्निंग तकरीबन 4-5 बजे तक मुझे बॉडी पेन रहा है, फिर मैंने ब्रेकफास्ट की, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर मैंने मेडिसिन ली, पैनाडोल लेके मैं आराम करने लग गया। फिर मैं उठा 9-10 बजे उठा, जिस टाइम उस टाइम फिर मुझे बॉडी पेन हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, दिन को खाना खाया 12 बजे, मेडिसिन लेके तो आराम करने लग गया। आराम के बाद मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आने लगी। तो तकरीबन मेरा कहने का मकसद यह है कि फ्राइडे नाइट तक 1 दिन पूरा मुझे पेन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी संडे है, संडे तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ मैं। कल जो गुड न्यूज़ आई है अभी से, कि उन्होंने पहले बॉर्डर लगाया हुआ था, जो एंट्री होती थी दुबई से, शारजा से, रसल खैमा से, जितने भी एमिरेट्स थे, 6 एमिरेट्स, 7 तो अबू धाबी है, जो भी इंटर होता था तो उन्हें कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना पड़ता था। पहली बार जब आप दाखिल होंगे अबू धाबी में, उस टाइम वो चेक करेंगे कि न्यू है 24 आवर या 48 आवर, उस तरह से कुछ लिमिट थी उनकी, उस टाइम तक आपका वैलिड होना चाहिए था, 48 आवर था आई थिंक, 24 इस तरह कुछ था। तो दूसरा जब इंटर हो जाते हैं अबू धाबी में, तो उसके 4 दिन के बाद था, फिर उसके मेरे हाल में 8 दिन के बाद था, 3 टेस्ट आपने करवाने होते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर उन्होंने ओपन कर लिया है सारे बंदों के लिए, आप इजीली आ जा सकते हैं, और कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी कोरोना टेस्ट वो नहीं चेक कर रहे, तो ये है कि तकरीबन जो केसेस हैं कोरोना वायरस के काफ़ी कम हो चुके हैं अबू धाबी में और यूएई में, तो इसकी वजह से इन्होंने सख्तियां थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कम कर दी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी हमें मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा, तब तक ये लोग हमें आर्डर नहीं करते, हम इसको फॉलो करते रहेंगे इस चीज़ को। मौसम की बात करें तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छा मौसम है, ये देखें माशाल्लाह आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, और बड़ी अच्छी हवा चल रही है, ये पीछे मेरे पीछे भी देख सकते हैं, देख माशाल्लाह से। और ये है कि आगे पीछे गर्म हवा चलती थी, आज माशाल्लाह से बिल्कुल नॉर्मल हवा चल रही है, कुछ गर्म शर्म हवा नहीं है। और इवनिंग का टाइम है, अभी 5:30 का टाइम है,
बाहर निकला हूँ, मैंने कहा थोड़ा टहल शहल ले, तो ये मौसम अच्छा होता है टहलने के लिए, क्योंकि दिन को तो बंदा काम पे होता है और ना ही कहीं जा सकता है बाहर टहलने। तो ये है कि ये आज की न्यूज़ थी, और मैंने आपको अपना सारा बता दिया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है वैक्सीनेशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली। और उसके नेक्स्ट डे में मेरे अल हुसन ऐप जो होती है, अल हुसन ऐप में भी अपलोड हो गया था कि आपने फोर्थ वैक्सीनेशन आपने कर ली है। मैं आपको मेंशन कर दूंगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ। बस यही आपसे बात करनी थी आज, और व्लॉग्स आगे देखते रहें, इंशाल्लाह से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, और मेरे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह से मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। थैंक यू वेरी मच। वो आप दूर दूर तक देख सकते हैं माशाल्लाह से दरख्त किस तरह से हवा के साथ लहरा रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये ऊपर भी दरख्त है माशाल्लाह से, काफ़ी हवा है आज, काफ़ी हवा है। देखें विंड साक्स इसको बोलते हैं।